प्रश्न नंबर एक, नेपाल में छापिएको पहिलो पत्रिका कुन हो? अप्सन ए सुधा सागर, अप्सन बी गोरखापत्र, अप्सन सी आवाज, अप्सन डी मधुपर्क। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन ए सुधा सागर। प्रश्न नंबर दुई, श्रीलंका को राष्ट्रीय खेल कुन हो? अप्सन ए फुटबल, अप्सन बी क्रिकेट, अप्सन सी भलिबल, अप्सन डी कुनै पनि होइन। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन सी भलिबल। प्रश्न नंबर तीन, नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री को हुन्? अप्सन ए अष्टलक्ष्मी शाक्य, अप्सन बी विद्यादेवी भण्डारी, अप्सन सी सुजाता कोइराला, अप्सन डी शैलजा आचार्य। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन डी शैलजा आचार्य। प्रश्न नंबर चार, विश्वको सबैभन्दा शुद्ध पानी कुन देशमा पाइन्छ? अप्सन ए अस्ट्रेलियामा, अप्सन बी डेनमार्कमा, अप्सन सी अफ्रिकामा, अप्सन डी रुसमा। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन बी डेनमार्कमा। प्रश्न नंबर पाँच, बुल एन्ड बियर केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए मदिरजन्य पदार्थ, अप्सन बी विश्व बजार, अप्सन सी शेयर बजार, अप्सन डी विश्व शेयर बजार। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन सी शेयर बजारसँग। प्रश्न नंबर छ, समुद्रको रानी कुन देशलाई भनिन्छ? अप्सन ए चीनलाई, अप्सन बी ग्रीनल्यान्डलाई, अप्सन सी फ्रान्सलाई, अप्सन डी रुसलाई। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन सी फ्रान्सलाई। प्रश्न नंबर सात, अब्राहम पुरस्कार केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए राजनीतिसँग, अप्सन बी आर्थिकसँग, अप्सन सी वातावरणसँग, अप्सन डी सामाजिक सुरक्षासँग। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन सी वातावरणसँग। प्रश्न नंबर आठ, विश्वको सबैभन्दा विषालु बिरुवा कुन हो? अप्सन ए नीमको, अप्सन बी पिपलको, अप्सन सी अरन्डीको, अप्सन डी लिचीको। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन सी अरन्डीको। प्रश्न नंबर नौ, पोलियो रोग कति वर्षभन्दा कम उमेरको मानिसलाई लाग्छ? अप्सन ए पाँच वर्षको, अप्सन बी बीस वर्षको, अप्सन सी पच्चिस वर्षको, अप्सन डी तीस वर्षको। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन ए पाँच वर्षको। प्रश्न नंबर दस, कुन फललाई पाक्न दुई वर्ष लाग्छ? अप्सन ए कस्टार्ड एप्पल, अप्सन बी ग्रेप्स, अप्सन सी एप्पल, अप्सन डी म्याङ्गोलाई। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन ए कस्टार्ड एप्पललाई। प्रश्न नंबर एघार, विश्वको वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन ए जुन फाइभ, अप्सन बी जुन चार, अप्सन सी जुन तिन, अप्सन डी जुन दुई। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन ए जुन फाइभ। प्रश्न नंबर बाह्र, हावाको माध्यमबाट सर्ने रोग कुन हो? अप्सन ए निमोनिया, अप्सन बी दादुरा, अप्सन सी क्षयरोग, अप्सन डी सबै हुन्। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन डी सबै हुन्। प्रश्न नंबर तेह्र, एड्स रोग कुन महादेशबाट उत्पत्ति भएको मानिन्छ? अप्सन ए एसिया महादेश, अप्सन बी अफ्रिका महादेश, अप्सन सी अस्ट्रेलिया महादेश, अप्सन डी युरोप महादेश। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन बी अफ्रिका महादेश। प्रश्न नंबर चौध, मानव शरीरको सबैभन्दा सानो हाड मानव शरीरको कुन भागमा हुन्छ? अप्सन ए खुट्टामा, अप्सन बी हातमा, अप्सन सी नाकमा,
ऑप्शन डी कानमा। सत्रहवें प्रश्न से जवाब है ऑप्शन डी कानमा। प्रश्न नंबर 15, पैराशूट को आविष्कार कसले गरेका हुन्? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ले, ऑप्शन बी जे ब्लैनचार्ड ले, ऑप्शन सी हेनरी बेसेनर ले, ऑप्शन डी लुई बेल ले। सत्रहवें प्रश्न से जवाब है ऑप्शन बी जे ब्लैनचार्ड ले। प्रश्न नंबर 16, संगीत प्रवीण भनेर कसलाई भनिन्छ? अप्सन ए मोतीराम भट्टलाई, अप्सन बी नराज ढकाललाई, अप्सन सी गणेशलाल श्रेष्ठलाई, अप्सन डी सिद्धिदास आमान्त्य। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन बी नराज ढकाललाई। प्रश्न नम्बर 17, कुन देशमा मात्र 40 मिनटको रात हुन्छ? अप्सन ए रुसमा, अप्सन बी नर्वेमा, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन बी नॉर्वे में। प्रश्न नंबर 18, बादर मारने जाल में बेरेर कुन जाति को लाश गाडिन्छ? ऑप्शन ए कुसुंडा, ऑप्शन बी चेपांग, ऑप्शन सी राउटे, ऑप्शन डी मुसहर। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन सी राउटे। प्रश्न नम्बर 19, कुन फललाई फ्रिजमा राख्दा फलमा विष हुन्छ? अप्सन ए केरा, अप्सन बी अंगुर, अप्सन सी खरबुजा, अप्सन डी स्याउ। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन सी खरबुजा। प्रश्न नम्बर 20, फ्रिजमा कुन ग्यास हुन्छ? ऑप्शन ए एमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी कार्बन। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन ए एमोनिया। प्रश्न नम्बर 21, विश्वको भोकमरी सूचकांक 2022 नेपाल कतिको सूचीमा छ? 91 सूचीमा, ऑप्शन बी 81 सूचीमा, ऑप्शन सी 61 सूचीमा, ऑप्शन डी 100। प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन बी 81 सूचीमा। प्रश्न नम्बर 22, चिया भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ? ऑप्शन ए ताप्लेजुङ, ऑप्शन बी सङ्खुवासभा, ऑप्शन सी तेहेरेथुम, ऑप्शन डी पाँच थर। सत्रहवें प्रश्न को सही उत्तर तपाईहरु कमेंट बक्स में कमेंट कर दिनु होला। साथै तपाईले भिडियो राम्रो लाग्यो प्लिज भिडियो को लाइक र चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब कर दिनु होला, किनकि साथमा यस चैनल में एस्टेट भिडियो आउँदै रहन्छु। साथीहरु मिल्ने छ अगलो भिडियो में। त्यतिको लागि जय नेपाल, धन्यवाद एंड थैंक्स फर वाचिंग दिस भिडियो।